नमस्कार गुरु, नमस्कार गुरु ऑल इन वन चिरंजीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे पास एक HP का i7 का लैपटॉप था जो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था और इसको मैं बनाने के लिए आज मैं जा रहा हूँ और इसको मैं खोल दिया। आप देख सकते हो इस लैपटॉप में क्या क्या होते हैं अंदर में, मैं आपको सब कुछ आराम से बताने के लिए जा रहा हूँ। और मैं इधर एक सोल्डिंग आयरन भी रेडी कर रहा हूँ क्योंकि, और उधर में एक कंप्यूटर में ऐसे करके वीडियो का एडिटिंग कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं, अब आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कैसे हम इसको ड्राइवर से और इसका प्रयोग से, अरे मैं इतना नॉट आपके पास देख रहा है क्या क्या खोल रहा हूँ। आपने बताने जा रहा हूँ ये लैपटॉप के अंदर क्या क्या चीज़ होती है और ये चीज़ से कैसे काम करता है, मैं आपको आज डिटेल में बता दूँगा। आपका घर में जो लैपटॉप होता है और ऐसा कंप्यूटर होता है उससे कभी कभी खराबी भी आ सकता है। आप जहाँ पर बनाने के लिए और आप चाहते हो उसमें बहुत पैसा लगता है थोड़ा सा काम के लिए, और आपका थोड़ा जानकारी है तो आप घर में भी एक काम कर सकते हैं। थोड़ा नट खोलना है, मैं बताने जा रहा हूँ ये आपका प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर यहाँ पर रहता है, आपने मदरबोर्ड के यहाँ पर देखे, मैं यहाँ पर प्रोसेसर जो निकाल दिया, इसको बहुत सेंसिटिव है और इसको इधर कहीं भी इसको और उसको मत छूना, उसको टच नहीं करना क्योंकि ये खराब हो जाएगा। और इसको मैं लेके इसको दूर लेके इधर रख रहा हूँ सेव करके। अब होगा इसमें रैम, ये रैम लगती है इधर जो मदरबोर्ड के इधर लगती है, और यहाँ से मैं रैम को एग्जिट कर लिया। अब दो रैम है मेरे पास, 2-2 GB के 4 GB के रैम, ये i7 लैपटॉप है मेरे पास। और इसमें मैं और बात बताने जा रहा हूँ, ये है बैटरी, इधर एक बकरी हर के करा रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। और इसमें जो एक बैटरी है आप देख सकते हैं, और ये बैटरी भी हम इसमें प्रयोग करके यहाँ से इंजेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ से बैटरी इंजेक्ट कर लिया। अब इसके बाद है ये मदरबोर्ड, में आपको सब फिनिशिंग में दिखाने जा रहा हूँ ये मदरबोर्ड है, और ये बोर्ड में हम क्या क्या लगा सकते हैं आप सबको मैं बताने जा रहा हूँ। एक बैटरी है, CMS बैटरी है, और इसमें बहुत कुछ होता है। इधर भी एक रैम डालने का जगह होता है, और इसे करके हम इधर हार्ड डिस्क डालने का जगह है, ये जो भाग है इसमें हार्ड डिस्क हम पुट करते हैं। और इससे हम यहाँ से हम बोर्ड में और स्क्रीन में सप्लाई करते हैं, यहाँ से भी स्क्रीन में सप्लाई करते हैं, और इसका पावर सिस्टम का सप्लाई यहाँ से होता है, आप देख सकते हैं यहाँ से होता है, और ऐसे करके हम इसको दे सकते हैं। अब ये हीट हो जाता है कभी कभी, अभी आज का प्रॉब्लम है इसमें हीट आया और अच्छी तरह से ये चलते चलते ये ऑफ हो गया, और इसको मैं साफ करके इसको फिट करने वाला हूँ। और इसमें प्रॉब्लम है, ये हीट हो रहा है और ये GPU हीट हो रहा है, और यहाँ का ये प्रोसेसर भी हीट हो रहा है, और इसमें थोड़ा सा 4 ऐसा जाम ऐसा भी हो रहा है बोर्ड में, i7 लैपटॉप का बोर्ड है HP का, आप देख सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ है। और मैं इस बोर्ड के अंदर से सब कुछ में निकल रहा हूँ, और ये लैपटॉप थोड़ा मुश्किल भी है खोलने के लिए। अब इसमें होता है क्यू बोर्ड, आप देख सकते हो लैपटॉप में क्यू बोर्ड कैसे होते हैं, ऐसा पतला होता है, और इसमें थोड़ा सा इतना ही जोड़ना है और इतना जोड़ना है और हो गया। इसमें एक माउस भी है, ऐसा माउस भी है, इसके लिए ये डाल दिया, ये हम इधर जोड़ने वाला है, ठीक है, ये चीज़ भी हमारे पास होते हैं। और होते हैं हमारा ये सेंसर बोर्ड, जो इसमें सेंसर फिट होते हैं, और वॉल्यूम के सेंसर, और इसमें आप देख सकते हो बहुत सेंसर है, और इसमें जो नेट के सेंसर है, जीमेल के सेंसर है, वाईफाई के जो सेंसर है, और इसमें आपका माउस पैड का सेंसर है, और इधर एक वॉल्यूम का भी ऐसा सेंसर है, और ये सेंसर बिल्कुल ये सेंसर बोर्ड है, और आप इसमें सब कुछ देख सकते हो, ऐसा चीज़ होती है, और इस चीज़ से हमारा लैपटॉप चलता है। और इसमें बहुत ऐसा
ये पावर बटन है, आप देख सकते हो पावर बटन, और इसके अंदर इतना भाग होते हैं। और क्या होता है लैपटॉप में, और आपका लैपटॉप कौन कौन यंत्र के प्रयोग से, कौन कौन चीज़ के प्रयोग से आपका लैपटॉप सुचारू होता है, चालू होता है, स्टार्ट होता है, आप जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपका जब भी लैपटॉप के अंदर इतना चीज़ मिल के रहता है तो आपके चलाने में भी बहुत मज़ा आएगा। और ये फैन है, जो फैन से इसको जो चिप में जो हीट आती है उसको क्लीन करने के लिए और उसको कम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये बहुत ज़रूरत है इसमें ये लगाने के लिए। और ये चिप को पेस्ट से, ये पेस्ट से मेरे पेस्ट है अभी यहाँ पर था, ये पेस्ट है, इस पेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, इसको हीट करने से हम रोक सकते हैं। आप इसका प्रयोग करके आपका लैपटॉप वो जो कर सकते हैं, ये भी हीट करके हीट को रोकने के लिए बनाया है। और आपका है ये बायोस चिप, और इससे भी आप बहुत काम कर, और कंप्यूटर में ये बहुत काम करते हैं, प्रोसेसिंग का काम, ऐसा बायोस का काम करते हैं। और ऐसे होते हैं इसके अंदर, ये भी बोर्ड के इस भाग में फिट होते हैं, इस भाग में देख सकते हैं यहाँ पर फिट होता है ऐसे करके, और इसको ऐसे करके फिट होता है, इधर डालना है और ऐसे करके यहाँ पर फिट होता है, आप देख सकते हो। और होता है आपके हार्ड डिस्क, जो ये हार्ड डिस्क है, हम हार्ड डिस्क से भी बहुत काम ले सकते हैं, हार्ड डिस्क मेन है। और ये हार्ड डिस्क में हमारा डाटा, विंडोज सब कुछ इसमें होता है। और ये अभी मैं इसमें 1 TB का हार्ड डिस्क था, अभी मैं इसको चेंज करके दूसरे लैपटॉप में डाल के इसको अभी 200 GB का हार्ड डिस्क इधर रख रहा हूँ, आप देख सकते हो। और ये है साउंड कार्ड, आज को मेरे को प्रॉब्लम आया था साउंड कार्ड के, यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन करने वाला हूँ। अभी आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लाइट में जाके दिखाऊंगा, थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था, आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम था, ऐसी प्रॉब्लम आ रहा था। इसको मैं हिट करके और इसको बनाने के लिए चेक करके, मल्टीमीटर से चेक करके मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ। अब आपका मेमोरी कार्ड डालने के जगह है, ऐसे करके हम मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, और इधर साउंड कार्ड, तो सौड़ा साउंड कार्ड भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल साउंड कार्ड का जगह है, आप देख सकते हो इसमें जो साउंड लगाने का। और ये एक है स्पीकर का, और एक है जो हमारा हेडफोन का साउंड कार्ड है, जो माइक का और हेडफोन का साउंड कार्ड है। आज का हम प्रॉब्लम यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, इस ऐसे करके भी हम साउंड कार्ड में, साउंड कार्ड चाहिए हमारा। और फैन है, कूलिंग फैन है, आपको सबको पता है ये कूलिंग फैन है, और ये फैन का जो एग्जिस्ट करने का जगह है। और ये कवर है, और इसको कवर है, और इसमें ये जैक, पावर जैक, और हमारा RGB जैक ऐसा होता है। और ऐसे करके हम लैपटॉप का जो चीज़ है, इधर पेन ड्राइव डालने का जगह है, और इधर हार्ड डिस्क डालने का जगह है, इधर रैम डालने का जगह है, वाईफाई का जो जगह है, और इधर भी कोई भी वाईफाई का जगह डालने का जगह है। और ये है आपका ऊपर वाला कवर, जो आप इधर से माउस चलाते हो, तो वो माउस चलाने के भाग है। और ऐसे करके इसको राइट के भी ऐसे करके डालें, ऐसे करके हम इसको भी थोड़ा सा सब कुछ कर सकते हैं। और ये सब भाग हमारे पास है, और इस काम को हम इसको सबको प्रयोग कर सकते हैं। और इसको जोड़ना भी बहुत माइंड लगाना पड़ेगा, और आप आसानी से इसको एक कैमरा में फ़ोटो खींच के और खोलते हो तो मुश्किल नहीं होगा, एक वीडियो बनाते हो तो मुश्किल नहीं होगा, तो आप ऐसे करके इसको सब फिट करके कर सकते हैं। और आप इसको अच्छी तरह से पेट्रोल से सफ़ा कर दो, इसको नहीं, ये बोर्ड को थोड़ा सा सफ़ा कर दो, साउंड बोर्ड का और ये मदर बोर्ड का, थोड़ा पेट्रोल डाल के इसमें थोड़ा सा ब्रश के सहायता से सफ़ा करने से भी हीट बहुत कम हो जाता है। और हीट के लिए पेस्ट को डालना है, पेस्ट को डालना है, और पेस्ट को डालने से आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में हीट कम हो जाएगा। और ये पेस्ट ऐसे आते हैं, देखा जाए, मैं दिखा दूँगा इसको, धरी है, और ऐसे करके इसको डालना है, आ गया ऐसे, ऐसे आता है। अब ये लैपटॉप का लॉक तकरीबन, ये मैं आपको जो दिखा दिया
ये सीडी रूम है, सीडी रूम, रैम, हार्ड डिस्क आप देख रहे हो, हार्ड डिस्क, और ए बायोस चिप, और ए साउंड कार्ड, ए सेंसर, ए है सेंसर, हाँ, ए है कीबोर्ड, और ए है मदरबोर्ड, ऐसे करके हर एक सब कुछ हमारे पास है। ये बैटरी है, हाँ, ये हीटिंग प्रॉब्लम का जो डिवाइस है, ये फैन है, और ये इतना ही चीज़ हमारे अंदर रहते हैं। अब आपको मैं कैमरा कहाँ है, साउंड कार्ड कहाँ है, यहाँ होता है कि ये है हमारा जो माइक है, यहाँ पर है, थोड़ा सा यहाँ पर है, और एक माइक यहाँ पर है, लेटेस्ट है कंप्यूटर, और यहाँ से लाइट भी आते हैं, हम ऐसे करते हैं, लाइट भी ऑन होते हैं, कीबोर्ड के लिए लाइट है, और इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, करके हम देख सकते हैं। आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। इसमें हमारा कैमरा यहाँ पर है, और सेंसर है, और इस सब चीज़ यहाँ पर रहते हैं, और स्क्रीन यहाँ है, और स्क्रीन को मैं सब नहीं खोला क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। ऐसे करके मैं आपको सब कुछ दिखा दिया, एक कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, और हम इसको इतना चीज़ को इस्तेमाल करके हम एक लैपटॉप रेडी करके चलाते हैं। और मैं पीछे आपको ये लैपटॉप का भी एक फ़ोटो तो फिट करके दिखाऊंगा। अभी इतना ही, अभी आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी मिल सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट, और बेल आइटम को दबाना नहीं भूलिए। मैं हर चीज़ ज्ञान के लिए प्रयासरत हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, गुरु अलीगंज चिरंजीवी से मैं सब कुछ देने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, जो मेरे अंदर है, और जो मैं जान सीखते जा रहा हूँ और सीख रहा हूँ, और मेरे पास एक जो है वो मैं आप सबको एक दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आज इतना ही। जय हिंद, जय नेपाल।